आज मैंने आपको देखा कि आप यहाँ पर एक होस्ट के तौर पे इस चैनल पर आप किस तौर पे दिखाई देंगे? ये होस्ट के तौर पे ही दिखाई दूंगा, होस्ट के तौर पे तो मैं मेरे ख्याल से दिखा नहीं डांस प्लस में, मेरे को सर ने पड़ोसी बना दिया था, तो इस बार जो सर बनाएंगे वो बन जाएंगे। क्या उम्मीद है सर, क्या बनाएंगे सर का? बस तो टेबल बनाया मुझे, सिर्फ वही बैठा रहे पूरे एपिसोड में, बट लेकिन कुछ ना कुछ तो सर क्रिएटिव निकालेंगे, कुछ देखते हैं। सर इस बार भी आपका कोई फन दिखाई देगा? हाँ वो तो पक्का है। इसमें जो सर सुपर जज रहेंगे और बाकी जो हमारे सेलिब्रिटी हैं वो आते रहेंगे एक एक दिन देखने। इस प्रकार की थीम जो इसकी रहेगी, जो है प्रकार इसकी थीम जो रहेगी वो ये रहेगी कि चैंपियंस होंगे और चैलेंजर्स होंगे। जो चैंपियंस हैं वो ऑलरेडी जीते हुए होते हैं और जो चैलेंजर्स हैं उनमें जीतने की आग होगी, तो ये जो दोनों के बीच में जो बैटल हमारा शो का एक जो एंड में जो फिट पड़ता है हमारे शो को, वो मेन बैटल वाला है। ये डिफरेंस रहेगा कि यार डांस प्लस में वही सर की शुरुआत से हम ग्रो करते हैं कंटेस्टेंट को और फिर वो जाके एक स्टार या वो बनता है। इसमें ऑलरेडी चैंपियन चैलेंजर्स ऑलरेडी भयंकर हैं। सर आपका आपकी मूवी आ रही है आपके डायरेक्शन में रेस सर, उसमें कास्टिंग का मैंने सुना कास्टिंग में बहुत हुआ, आप कन्फर्म कर दीजिए कास्टिंग का है कुछ? नहीं मैं कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अच्छा, तो जब भी कंफर्म होगा तो मैं बता। डांसिंग प्लान भी आ रही है जी, वो बाद में आएगी। अभी सर आपके दोनों बच्चे ध्रुव एंड गैब्रियल, सर वो लोग भी इंटरेस्टेड है डांसिंग में आपकी तरह? नहीं अभी तक तो नहीं है, अभी तक बहुत छोटे हैं, अभी तो पता नहीं लगता। सर अभी भी आप क्लास देते हो लोग को डांसिंग? नहीं मैं खुद को क्लास नहीं दे पाता हूँ, मैं उनको क्या दूँ, मैं नहीं अभी तक दर्शकों को सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि भाई आप देखते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, डांस प्लस को जितना प्यार दिया है, और अब हम आ रहे हैं एक नया शो लेके, सो आपको और मज़ा आने वाला है, सो बस यूं ही प्यार देते रहिए। बस मेन ये है कि आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे, बस। प्लीज जल्दी देखें और हमें डांस चैंपियंस।